हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज लेंथ एक्टिनाइड प्रॉपर्टीज। जिससे पहले देखी थी हमने उसका एटॉमिक साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह देखी थी। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो, लेंथ एनाइड और एक्टिनाइड में बस एक फर्क आता है, उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 5f में होते हैं। जो 5f है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट एक तो कम होता है, एक 5f जो ज़्यादा बाहर की साइड होता है एज कम्पेयर टू 4f। हाँ, तो फो बाहर की तरफ होता है, तो उसका लिगेंड के साथ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी होता है, मतलब 4f के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होगा, और जो 5f है उसका साइज बड़ा है, तो वो उसका लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका, हमने देखा था पहले, मतलब एक दो टाइप के मोशन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के। एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन की वजह से होता है, एक ऑर्बिट के अराउंड जो उसकी मोशन होती है उसकी वजह से होता है। तो फिर उसका 5f का जब लिगेंड के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ऑर्बिटल मोशन था वो ऑर्बिटल मोशन वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था उसके साथ, मतलब उसको जो लिगेंड है वो बाउंड कर लेगा, उसके मोशन को बंद कर, मतलब उसके मोशन को बंद कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलेंगे इसको, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन बिकॉज ऑफ मोर एक्सपोज 5f ऑर्बिटल, क्योंकि 5f ऑर्बिटल जो ज़्यादा बाहर की तरफ है, तो इसका में क्वेंचिंग हो जाएगी ऑर्बिटल की, मतलब ऑर्बिटल मोशन की। और एक क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जो इस पर डिपेंड करता है कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मतलब लेकिन इसके एक्टिनाइड के केस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई ऑर्बिटल मोशन थोड़ा, मतलब ऑर्बिटल मोशन भी क्वेंच हो जाता है, और जो 5f ऑर्बिटल है उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है लिगेंड के साथ, और इसमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी होती है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग मतलब जो स्पिन मोशन थी और उसकी जो ऑर्बिटल मोशन थी उन दोनों की कपलिंग होते हैं इनमें। तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका फार्मूला, जिससे हम निकाल लें। तो इसका ये बोल सकते हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है ना, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है एक्टिनाइड की मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो फिर इसका जो मतलब मेनली हम मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे वो हमारी एक्सपेरिमेंटली होगी, है ना, जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट होगी उसी को हम ड्रॉ करेंगे कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट किसकी ज़्यादा कितनी कम है। तो ये क्या है कि एक्टिनाइड की डिक्रीज करते हैं यूरेनियम से प्लूटोनियम तक, प्लूटोनियम के बाद फिर बढ़ती है, फिर कैलिफोर्नियम की सबसे ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये वाला इसका ग्राफ आ जाता है, ये आपकी बुक में दे रखा है, प्लूटोनियम की सबसे कम है, प्लूटोनियम की सबसे कम, और फिर जो सबसे ज़्यादा है वो कैलिफोर्नियम की है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ये वो जो बोल रखा है उन्होंने, देयरफॉर ये जो पहले वाली बात जो हमने बोली थी वो लिखी हुई है। एक बार इसकी एक बात राइट कर सकते हैं इसमें कि इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, देयर इज नो एग्जैक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एक्टिनाइड्स। तो फिर अगला प्रॉपर्टी हमारी कलर स्पेक्ट्रा। कलर स्पेक्ट्रा मतलब जो ये इसका क्या कलर हो गया, कितनी ये एनर्जी जो है एब्जोर्ब करेगा। देखो, एनर्जी एब्जोर्ब कैसे करेगा, जैसे मान लो एफएफ ट्रांजिशन देखते हैं हम, कलर में भी मेनली इसकी वजह से हो सकता है, एफएफ ट्रांजिशन की वजह से। एफएफ ट्रांजिशन मतलब मान लो एफ ऑर्बिटल में मतलब 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ के, एफ सब सेल में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस टाइप से टूटता है। जैसे डी वाले तो कैसे टूटते हैं, 3 नीचे हो जाते हैं 2 ऊपर टूट जाते हैं ना, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं उनमें 3 नीचे 2 ऊपर ऐसे टूट जाते हैं। लेकिन इसमें कैसे टूटते हैं, 1 नीचे फिर उसके ऊपर 3 और सबसे ऊपर फिर 3, हाँ मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके इस फॉर्म में टूट जाते हैं। तो F1 है मान लो, तो मान लो सबसे पहले नीचे वाले में फिर इसमें जा सकता है, इस लेवल में या फिर इस लेवल में जा सकता है। तो इनमें क्या हो रहा है, एक एफ ऑर्बिटल दूसरे एफ ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में क्या होगा, एफ एफ ट्रांजिशन होंगे ना, तो एफ एफ ट्रांजिशन होंगे। तो ये ट्रांजिशन कैसे होगा, ये मतलब बाहर से हम एनर्जी देंगे इसको, हाँ तो फिर वो उस एनर्जी को एब्जोर्व करके ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे जाए आएगा तो वो कलर शो करेगा उसको, फिर उसके बेस पे देखेंगे। अगर वो ऊपर से नीचे आने के बाद अगर वो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो अगर विजिबल रेंज का है, विजिबल रेंज की एनर्जी सोव करा, एक बार एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, एक्साइटर से अब फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो फिर जो एनर्जी रिलीज करेगा अगर वो विजिबल रेंज में है तो वो कंपाउंड में मतलब विजिबल शो होगा, मतलब उसका कोई कलर होगा।
तो ये होता है इसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। पहली बात इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ एक्टिनाइड शो ब्रॉड इंटेंस पीक एज कम्पेयर टू द लेंथेनाइड ड्यू टू मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल मिक्सिंग इन एक्टिनाइड एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड। तो इसका क्या है, इसका जो पीक होता है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड होता है और इंटेंस होता है। क्यों होता है इंटेंस या ब्रॉड, जैसे इसमें हमने बोला था एफ ऑर्बिटल का जो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है उसमें मतलब सिंगल पीक होती है ना, सिंगल पीक होती है जो 4f वाले होते हैं, जो लेंथेनाइड देखे थे हमने, उनकी एक सिंगल पीक होगी, मतलब ऐसे ऊपर से तिखी होगी उनकी पीक काफी। लेकिन इनकी पीक क्या ब्रॉड होती है, ब्रॉड क्यों होगी, क्योंकि उसमें तो जो 4f था वो काफी अंदर की तरफ था, उसमें लिगेंड के साथ अट्रैक्शन नहीं था उसका। लेकिन इसमें 5f का जो है लिगेंड के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो लिगेंड इसके मतलब काफी चेंज कर देंगे इसमें। एक तो ये होगा कि भाई डी ऑर्बिटल की एनर्जी को कम ज्यादा कर देंगे, हाँ, या उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको मतलब इफेक्ट करेंगे, या जो मेटल लिगेंड बोन बॉन्ड बनेगा उसका, उसमें वाइब्रेशन वगैरह होंगे, तो उसमें क्या होगा मतलब के टाइप की एनर्जी, मतलब पहले तो क्या था जो 4f वाला था उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी थी, हाँ, क्योंकि उसमें कुछ डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसकी मतलब कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे, एनर्जी लेवल बन जाएंगे तो, लेकिन उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है लिगेंड की वजह से। जैसे 200 जूल था पहले लिए, तो फिर 201 हो जाएगा, 202 भी हो जाएगा, 199 हो जाएगा, तो मतलब इस टाइप के कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे इस लिगेंड की अट्रैक्शन की वजह से, हाँ, कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे। तो उसमें मतलब क्या दिखेगा कि ये दिखेगा भी कई एनर्जी को ये एब्जोर्ब करा, जैसे 199 भी करा, 200 भी, 201 भी, 202 भी, तो उसमें मतलब ये दिखेगा कि भाई एक सिंगल पीक नहीं दिखेगी, मतलब ऐसे ब्रॉड पीक दिखेगी, ब्रॉड पीक दिखेगी, और जो है 5f ऑर्बिटल की वजह से इसकी जो है इंटेंस पीक भी होगी। इंटेंस मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी मतलब जो मतलब गड्ढा अपन बोलते हैं ना एक टाइप से वो, या मतलब ये बोल सकते हो कि जो साइज होगा वो पीक का वो ज़्यादा होगा। ये तो आपने याद रखना क्या क्या चीज़ होंगी जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सो मोर अब डिपेंडेंस ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, CN लिखा हुआ है इसका नंबर, इसका मीनिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज नेचर ऑफ लिगेंड एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड। देखो जो लेंथेनाइड था उन पे मतलब लिगेंड का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था है ना, क्योंकि 4f काफी अंदर की तरफ था, तो इस केस में क्या है 5f बाहर की तरफ है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड जो मेटल के साथ अटैच है उसका भी फर्क पड़ेगा, और नेचर है जो लिगेंड का उसका भी फर्क पड़ेगा, नेचर मतलब स्ट्रोंग लिगेंड है या वीक लिगेंड है उसका भी फर्क पड़ेगा इस पे। तो फिर ये जो कलर होगा कंपाउंड का वो किस किस वजह से हो सकता है, पहला तो हो सकता है एफएफ ट्रांजिशन। एफएफ ट्रांजिशन में क्या है भाई, एक एफ का इलेक्ट्रॉन या कितने भी हैं जिनमें मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है। इसके एफएफ ट्रांजिशन होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर F7 है, F7 के केस में क्या है सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा जो मतलब जो लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा तो उसमें मतलब एक नई स्टेट बन जाएगी है ना, तो एक स्टेट ऐसी बनेगी जिसमें जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में ना। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक पहले से इलेक्ट्रॉन था F7 के केस में ना, क्योंकि F7 के केस में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है सातों में, तो जो सबसे नीचे वाला एक इलेक्ट्रॉन था मान लो हम यहाँ पे ले आए, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे एक नई स्टेट बन गई, नई स्टेट बन गई, तो जो स्पिन था ना टोटल स्पिन था वो पहले तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1/2, तो 7 इलेक्ट्रॉन का कितना था वो क्या था 7/2, लेकिन यहाँ पे क्या है दो जो पेड इलेक्ट्रॉन हो गए, पेड के होते हैं जो उनका जो वो स्पिन होता है वो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर एक का हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ हो गया, तो ये दो तो पेड हो गए, तो 5 बज गए, तो इनका स्पिन कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 5/2, इसका हो जाएगा 5/2। तो फिर इसमें जो है एक रूल होता है कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है ना तो उसका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो स्पिन है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, या सिंपली ये समझ लो जो ये स्पिन हमने निकाल ली है ये चेंज नहीं होनी चाहिए है ना। जैसे D1 के केस में था एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो यहाँ पे जाए या ऊपर जाए उसकी स्पिन हाफ ही रहनी थी, लेकिन इस केस में क्या है पहले 7/2 थी अब 5/2 है, तो ये
इस टाइप के ट्रांजिशन अलाउड नहीं होते, तो इनको बोलते हैं स्पिन फॉर्मेटेड, मतलब जिनमें जो स्पिन है वो, और जो स्पिन है वो अगर चेंज हो रही है तो उनको बोलते हैं स्पिन फॉर्मेटेड। स्पिन फॉर्मेटेड ट्रांजिशन होते नहीं है ना, लेकिन तो फिर क्या F7 के केस में क्या होगा, जो F7 होगा तो उसके केस में ये FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही अगर F14 होगा, F14 के केस में भी ऐसा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा ना, क्या F14 में तो सारे भरे हुए हैं, कोई जाने की जगह ही नहीं है। अगर F0 है उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। फिर अगला है FF स्पेक्ट्रा इज 10 टाइम स्ट्रोंगर एंड 2 टाइम ब्रॉडर देन द लेंथ देन दैट ऑफ लेंथ इन एड। ये हमने देखा था क्योंकि 5F का 5F बार की तरफ है तो उसकी अट्रैक्शन है जो जो वो ज़्यादा है लिगेंड के साथ, तो बार वाली इन्वायरमेंट के साथ, तो उसका स्पेक्ट्रा है वो मतलब इंटेंस भी होगा, मतलब स्ट्रोंगर भी होगा और ब्रॉडर भी होगा और चौड़ा भी होगा। एक टाइप के ट्रांजिशन जैसे 5FD ट्रांजिशन, FD मतलब 5F से 6D में इलेक्ट्रॉन होंगे जाएंगे जो है ना, 5F से 6D में अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होगा तो उसको बोलते हैं FD ट्रांजिशन। FD ट्रांजिशन होता है इसमें क्यों क्यों होगा इनमें, क्योंकि इसमें 5F जो क्या जो 5F का साइज बड़ा है ना, तो ये 6D के कंपैरिजन में इसका साइज सिमिलर हो जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था 5F का और 6D का साइज सिमिलर हो जाता है, तो इस केस में मतलब इस ट्रांजिशन कराने के लिए हमें कोई भी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए ना, तो वो ट्रांजिशन मतलब सिंपली पॉसिबल हो जाएगा ना। तो फिर इसमें बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप ऑफ 6D एंड 5F, हाँ फिर ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। लेकिन ये है जो जनरली अकरिंग यूवी रीजन, मतलब ये विजिबल रीजन में कम मिलती है, तो ये यूवी रीजन में ज़्यादा मिलता है जो FD ट्रांजिशन होते हैं। फिर अगला केस है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होगा, तो मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में लिगेंड है ना, लिगेंड कुछ ये होगा जी, हाईली इंटेंस होता है ये तो, और क्या अक्कर इन हाई हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विद लिगेंड हैविंग इजियर ऑक्सीडेबिलिटी। देखो इसमें जो सेंट्रल मेटल है उसके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, मतलब यूरेनियम अगर +6 में है, +6 में तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको यूरेनियम को ट्रांसफर कर देगा, मतलब ये टाइप अपना चार्ज जो वो ट्रांसफर कर देगा। इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, इस पे -2 है और वो इसको यूरेनियम को दे रहा है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होता है। जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो हाईली इंटेंस होता है, ये या आपने याद रखना हाईली इंटेंस होता है। फिर आगे ये जैसे, और फिर ये है कि भाई जो FF ट्रांजिशन हो रहे होते हैं वो मतलब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड करते हैं, जो FF ट्रांजिशन होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपको टेबल दे रखी है, अगर मान लो F0 है तो वो कलरलेस होगा, F7 है तो वो भी कलरलेस होगा ना, तो ये चीज़ें आपने एक बार देख लेना है। हाँ तो फिर क्या है, आयन कॉन्स्टिट्यूट 2 to 6 इलेक्ट्रॉन इन द 5F6 शेल आर कलर्ड, मतलब 2 से 6 जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5F6 शेल में वो जो है कलर्ड होते हैं, तो फिर ये चीज़ होती है। और ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, आप एक बार रीड कर लेना इसको। फिर अगला फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है मतलब ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो एक्टिनाइड होते हैं। एक्टिनाइड में जो है थोरियम और यूरेनियम जो है वो उनकी केमिस्ट्री वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि इनका हाफ टाइम ज़्यादा होता है, हाफ क्योंकि देखो ये एक्टिनाइड है मोस्टली सारे रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं तो क्या होगा इनमें जो मतलब एटॉमिक रिएक्शन इनमें होती रहेंगी, तो मतलब एक मेटल है वो मान लो अपने प्रोटोन डोनेट कर देगा तो दूसरे मेटल में चेंज हो जाएगा, हाँ तो फिर ये रिएक्शन में चलती रहती है। लेकिन जो थोरियम यूरेनियम है इसका हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, हाफ लाइफ क्या होता है मान लो अगर वो ए है, अगर बी में टूट रहा है, ए अगर बी बी बना रहा है तो मतलब हाफ लाइफ टाइम वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आधा ए बी में कन्वर्ट हो चुका होगा, हाफ लाइफ होगा वो टाइम जिसमें आधा ए बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन तो इसका हाफ टाइम ज़्यादा तो मतलब ये काफ़ी टाइम तक ए की फॉर्म में रहेगा ना, तो मतलब ए की फॉर्म में या जो इसकी स्टेबल है थोरियम की यूरेनियम की तो वो उस फॉर्म में रहेगा। और जो है मान लो पहले और कोई एटम जैसे कैलिफोर्नियम वगैरह है एक्टिनाइड में, वो क्या होगा अगर
कैलिफोर्निया +3 है और हमने उसको स्टडी करना है। फिर वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी देर में कैलिफोर्निया +4 में चेंज हो जाएगा। हाँ, तो फिर उनकी स्टडी जो है इतना वो अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो फिर थोरियम और यूरेनियम की ही वेल डेवलप्ड है, और यूरेनियम जो है वो काफ़ी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइयर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ये शो करता है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, जैसे थोरियम +4 में है ना, थोरियम +4 में है तो थोरियम Cl6, थोरियम O2 ना, ये कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अभी तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, थोरियम I2 के साथ इसका अगर कॉम्प्लेक्स है तो थोरियम +4 में होगा और ये 2I- फुटेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जितना मतलब जितना मेटल को मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है इजिली, है ना। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल शो करते हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से भी ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो फिर ये कुछ इसकी ये दे रखा कि भाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो ये है, मतलब जर्नली यहाँ ये होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं जो एक्टिनाइड के। तो जो जनरल टेंडेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंट्रोल्ड बाय आयनिक साइज एंड चार्ज, चार्ज पे डिपेंड करती है और आयनिक साइज पे डिपेंड करती है। आयनिक साइज पे कैसे करेगी, जितना छोटा साइज होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑर्डर निकल के आता है, कोई भी मेटल है एक्टिनाइड है उनका ये ऑर्डर होता है, तो इस ऑर्डर में रिएक्शन करते हैं। और ऐसे ही अगर जो आयन है जिनके साथ इन्होंने रिएक्शन करने हैं उसका ऑर्डर ये है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ये, फिर अगर बाई नेगेटिव है, बाई नेगेटिव मतलब जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है उनका ऑर्डर ये होगा। ये जैसे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड हैलाइड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन विद एल्कली मेटल हैलाइड, एल्कली मेटल हैलाइड के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे थोरियम क्लोराइड है, वैसे तो फार्मूला इसका थोरियम Cl4 है, Cl4 मतलब इसमें +4 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो अगर के लग गया, एक के लग गया तो एक क्लोरीन भी बढ़ा देंगे हम, क्योंकि ऑल ओवर हमें थोरियम को +4 में रखना है। अगर +4 में रखेंगे तो इस पर क्या, जैसे थोरियम Cl5 है, इस पर सारे पे एक चार्ज, -1 चार्ज आ गया इस पर थोरियम पे, थोरियम Cl5 पे -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज है, तो अगर थोरियम का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकाले तो +4 निकल के आएगा। वैसे इसमें K2 जैसे थोरियम का Cl6 है, यहाँ पे कैसे होगा, थोरियम थोरियम और फिर उसमें Cl के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे ही है ना, थोरियम और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना। अगर 2 नेगेटिव चार्ज है, इस 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयनिक फॉर्म में तो लिख नहीं रहे, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए हम K2 लगा देते हैं। K2 लगा दिए तो K पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और 2K पे +2 हो गया, तो इस -2 को बैलेंस करके ऑल ओवर मैटर जो है जो कॉम्प्लेक्स है उसको न्यूट्रल दिखा देते हैं इस फॉर्म में हम। तो इसमें अगर थोरियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, थोरियम को X मान लें और एक क्लोरीन पे कितना होता है, -4 होता है, तो ना एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू पुट कर देंगे जितना बार चार्ज, -2 है तो एक्स ना, यहाँ पे थोरियम Cl6 है ना, तो 6 क्लोरीन है, तो x-6 हो जाएगा, x-6 = -2, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो +4 निकल के आएगी ना। तो इसमें मेन बात यह है कि जो सारे जो थोरियम के मेटल, थोरियम का ऑक्सीडेट है सारे कंपाउंड में वो +4 है। ऐसे ही थोरियम टेट्राक्लोराइड ब्रोमाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद पिरिडिन, तो ये क्या होता है, पिरिडिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पिरिडिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या करेगा, पिरिडिन इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पिरिडिन में क्या, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है ना, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है थोरियम को डोनेट हो जाएंगे, तो एक टाइप से स्टेबलाइज कर रहा है थोरियम को। इलेक्ट्रोनाइड फो आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद पाई बॉन्डिंग लिगैंड, पाई बॉन्डिंग लिगैंड मतलब जो पाई बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, जैसे फोस्फिन है, कार्बोनिल है, ये वाले जो पाई बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ मेटल के साथ। और आगे है एक्टिनाइड विल एसिटाइल एसिटोन ऑक्साइम या इनके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे ये रखा है ये है ना, जो ये वाला है। तो अगले है, जैसे
यूरेनियम का, यूरेनियम के जो पिछले पड़े थे ऑक्साइड वाला, ये UO2 जो है, ये UO2 पॉजिटिव है, ये क्या है, हाइड्रो एच मतलब एच पॉजिटिव को लूज कर देगा अपने एक्वा सोल्यूशन में, तो इस टाइप के ये जो है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा OH ब्रिज के साथ, मतलब OH ब्रिज के साथ, मतलब UO2 OH है इसमें, तो एक OH जो है डायरेक्टली यूरेनियम के साथ अटैच है इसमें, UO2 मतलब दो यूरेनियम के कॉम्प्लेक्स हो गए और उनके बीच में दो OH है, मतलब जो ये OH है वो इन दोनों के बीच में होगा, दो यूरेनियम के एटम के बीच में, दो यूरेनियम के एटम के बीच में OH होगा, तो मतलब इस टाइप से ब्रिज फॉर्मेशन कर लेता है। और ऐसे ये कुछ ऐसे लिगेंड दे रखे हैं ऑक्सीजन डोनर चिलेटिंग लिगेंड या हैलाइड के साथ, ये टाइप की बॉन्ड बना लेता है। चिलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं, जो मतलब रिएक्शन जो मतलब लिगेंड के मेटल के साथ लिगेंड का बॉन्ड बना और एक साइक्लिक फॉर्म बन गया, जैसे ए बी है कोई भी, तो ए बी डोनेट हो गया मेटल को और बी बी दोनों डोनेट करे हैं, तो इस टाइप से उनके बीच में एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक रिंग बन गया, तो उनको जो साइक्लिक रिंग बनाते हैं उनको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। फिर अगला है बोरोन हाइड्राइड ऑफ एक्टिनाइड आल्सो नोन, मतलब बोरोन हाइड्राइड भी इसके साथ एक्टिनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बोरोन हाइड्राइड मतलब BH4 के साथ भी एक्टिनाइड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऐसे ये है बोरोन हाइड्राइड और निप्लोनियम और प्लूटोनियम ये अनस्टेबल होते हैं, एज मोनोमेरिक लिक्विड विच है एट लो क्रिस्टलाइन लो टेम्परेचर क्रिस्टलाइज विद 12 कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर सिमिलर टू जिरकोनियम BF4, मतलब ये लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं जिनमें उसका कोऑर्डिनेट नंबर 12 होता है। ऐसे ही है ये जो, तो इनके जो स्टेबल, ये जो थोरियम प्लूटोनियम यूरेनियम के जो होते हैं वो बोरोहाइड्राइड वो स्टेबल होते हैं, ये आपने याद करने हैं, और ब्रिज की फॉर्म में होते हैं वो, तो ऐसे एक्टिनाइड जो एक्टिनाइड के एक्टिनाइड आल्सो फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद सच एज कार्बोनिल साइक्लोपेंटाडाइनाइड टू लेस एक्सटेंट साइक्लोटेट्राइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऑफ टाइप, ये मतलब इस टाइप के जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ कंपाउंड बनाता है, ये है एक्टिनाइड साइक्लोपेंटाडाइन C5H5 को बोलते हैं ना, नहीं होता है, तो मतलब ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं, तो इसमें हमारी मोस्टली प्रॉपर्टी कवर हो गई है, तो थोड़ा बहुत रहता हो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।